जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे 4G फोन पे 5G इंटरनेट को कैसे चला सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप अपने 4G फोन पे 5G इंटरनेट को चला सकते हैं। मैं आपको आज जो ट्रिक बताने वाला हूँ, आपने अगर इस ट्रिक को यूज़ किया तो आपका इंटरनेट का स्पीड 90% इंक्रीज हो जाएगा, मतलब 90% बढ़ जाएगा और आप अपने 4G फोन पे 5G इंटरनेट को चला सकते हैं बहुत ईजिली। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि ऐसे लेटेस्ट वीडियो को मिलती रहे। और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, आपकी एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो बनाने के लिए। तो देर किस बात की, चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी वीडियो। पहले आपको अपने फ़ोन के अंदर प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। ओपन हो जाने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है PC फोन प्रो मैक्स। जैसे ही सर्च पे क्लिक करेंगे आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ पे आपको फर्स्ट में ही एक एप्लीकेशन देखने को मिलेगा, ये आपको इंस्टॉल कर लेना है। मेरा यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है तो मैं ओपन पे क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही ओपन पे क्लिक करेंगे आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको आई एक्सेप्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, यहाँ पे आपको यस कर देना है। इसके बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, यहाँ पे आपको ऑप्शंस पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, यहाँ पे आपको थर्ड नंबर पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा प्रॉक्सी सेटिंग्स का, आपको सिंपली इस पे क्लिक करना है। जैसे ही प्रॉक्सी सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको फर्स्ट में ही देखने को मिलेगा कॉन्टेक्ट थ्रो एंड HTTP प्रॉक्सी, आपको सिंपली से ये टिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कस्टम HTTP हेडर्स, आपको सिंपली से इस पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको फर्स्ट में ही देखने को मिलेगा एड कस्टम HTTP हेडर्स, ये आपको टिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एंटर हेडर नेम, आपको इस पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको लिख देना है आप जिस भी कंपनी का सिम यूज करते हैं, जैसे कि मैं जियो कंपनी का यूज करता हूँ तो मैं यहाँ पे जियो लिख देता हूँ, jio.com। इसके बाद यहाँ पे आपको ओके कर देना है। इसके बाद यहाँ से आपको थोड़ा बैक जाना है। इसके बाद यहाँ पे आपको होम पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ नीचे में आपको स्टार्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको इस पे क्लिक करना है। इसके बाद ये आपको अलाउ कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा 4G फोन पे 5G इंटरनेट चालू हो चुका है। सो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।